अब लड़का लोग को आंखों अंधा कर दिया जाएगा ये अश्रु गैस से ला करके, ताकि न कोई पढ़ेगा न कोई नौकरी मांगेगा। नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 60-40 नहीं चलता हो, आज दबो काल दबो। बोल रहे हैं कि एक वही वाला कहावत जो नहीं है कि बकरा आगे जा रहा था सियार पीछे जा रहा था, कि अब गिरेगा, लेकिन गिरिए नहीं रहा था। विधानसभा नहीं जाने दे रहा, तो हम सोचे बैकेट रोड से चल जाते हैं। नियोजन नीति में 60-40 को लेकर जो है लगातार छात्र जो है विरोध कर रहे हैं, और पहले भी जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम ने बातचीत कर उसे सुलझा लिया था। लेकिन फिर आज विधानसभा के अंतिम दिन जो ये सत्र चल रहा है, और उसको लेकर जो है ये तमाम जो छात्र देख रहे हैं आप, ये विधानसभा घेराव करने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो जयराम महतो हैं वह मौजूद है। जयराम, छात्रों जो विरोध 60-40 का कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए दादा, हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए भारत देश, जब पूरा भारत देश में जो भी अन्य राज्य हैं उनके पास क्या नियोजन पॉलिसी है, कर्नाटक के पास क्या है, तमिलनाडु के पास क्या है, तेलंगाना के पास क्या है, तो उस नीति को हम लोग अध्ययन करना चाहिए, हमारी राज्य सरकार को उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए था। लेकिन 60-40 कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ज़्यादा 60% से ज़्यादा दे नहीं सकते, फिर चुनौती कोर्ट में दी जाएगी, उसे पहले की तरह भी जो है इसे नियोजन के साथ जो है कहीं युवाओं को नियुक्ति मिल चुकी है। तो देखिए उसके लिए आप बाकी जो राज्य हैं, ठीक है, कोर्ट का तो जो भी जजमेंट है, क्या वो केवल झारखंड के लिए ही रहेगा या फिर बाकी जो स्टेट उनके लिए रहेगा, उनकी पॉलिसियों का अध्ययन किया जाए और झारखंड सरकार अपनी एक टीम भेजे, एकेडमिक टीम भेजे, जो बाकी जो हमारे पड़ोसी राज्य उन्हीं की नीतियों का स्पष्ट करके आए वहाँ किस प्रकार की नीति है। ठीक है आप उसके ना, ठीक है आप लैंग्वेज को ले सकते हैं, प्रत्येक जिला में जिला वाइज लैंग्वेज के माध्यम से पेरियर ले सकते हैं। जिस प्रकार हमारे एक साथी उड़ीसा गए थे, उन्होंने सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया था, जब इंटरव्यू का बारी आया उनको उड़िया भाषा में लेटर दिया गया तो ना उड़िया समझ पाया ना उस जॉब को ले पाया। तो इस तरह बहुत सारे विकल्प आपको तलाशने होंगे। जब कोर्ट का राजस्थान में भी देखिए टीचर की बहाली हुई थी, लेकिन उन्होंने बहाली सबका लिया, जब लेकिन जब रिजल्ट की बात आई तो अन्य जो राज्य के अभ्यर्थी हैं बड़े मैंने आसानी से उनको छटने का काम किया। तो ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार को विकल्प तलाशना होगा, यहाँ इनके पास विकल्प नहीं, इनके पास आइडिया नहीं है। 2016 में टीचर की बहाली देख सकते हैं 75% बाहर का हुआ, आप 15 नवंबर की बहाली को देख सकते हैं 93% ओपन टू ऑल में बाहर का हुआ, तो ये आखिर कब तक बाहर को यहाँ के नियोजन को बेचा जाएगा? इसलिए ये हम लोग इस नीति का विरोध करते हैं। संस्कृत इंग्लिश को जो जोड़ा गया क्या उसका भी विरोध कर रहे हैं आप? देखिए क्षेत्रीय लैंग्वेज ग्रुप में बिल्कुल क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं, हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है। और मुझे लगता है सबसे बेवकूफ गवर्नमेंट है जो उन्हें आभास तक नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा का क्या मापदंड होता है, तो बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा के रूप में उनका स्वागत नहीं कर सकते। कार्यक्रम तो 2-3 दिन पहले होना था, लेकिन क्यों मंत्री आलमगीर आलम से जब बातचीत हुई ऐसा कहा गया कि सारी बातें मानी गई, लेकिन अचानक से फिर ये विधानसभा घेराव? देखिए उस समय चूंकि हम लोग को सूचना मिली थी कि 20 तारीख को घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन जो वार्ता हुई वार्ता नहीं हो पाई, उस कारण आज हम लोग को फिर से अपना प्रदर्शन करना तो पड़ा। वार्ता हुई थी लेकिन वार्ता विफल हो गई, उन्होंने जिन बिंदुओं पर बात हुई थी उसमें तो 60-40 महत्वपूर्ण था, तो जिन बिंदुओं पर बात हुई थी मंत्री से उस बिंदुओं पर वो कायम नहीं रह पाए, इसलिए आज फिर हमें आंदोलन के लिए आना पड़ा। आगे क्या रणनीति होगा? आगे देखिए पूरे राज्य के छात्रों को निर्णय करना होगा कि इस राज्य को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए आज अपनी आवाज़ को प्रत्येक राज्य के और विशेषकर जिला मुख्यालय में एक दिन प्रदर्शन करने का हम लोग सोचे हैं। पूरे जिला मुख्यालय में अगर एक दिन प्रदर्शन होगा तो इससे पूरे राज्य में एक उबाल सा होगा, और फाइनली मुझे लगता है कुछ बेहतर पक्ष राज्य के हितार्थ में हो सकता है। अभी हम लोग विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आज एक दिन का कार्यक्रम नहीं, फिलहाल आज एक दिन का, उसके बाद आगे की रणनीति यही तय होगी। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिनका साफ तौर से कहना है कि 60-40 वाली जो नियोजन नीति लाई जा रही है उसको लेकर ये तमाम छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जिस तरीके से वहाँ के राज्य के छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं नियुक्ति में होती है, उसी प्रकार से तमाम यहाँ झारखंड में भी छात्रों के लिए एक नियोजन में एक पारदर्शिता लाई जाए और तमाम जो झारखंड के युवा हैं उसको नियुक्ति से प्रक्रिया से जल्द जोड़ी जाए। तो ये विधानसभा घेराव करने के लिए तमाम जो छात्र हैं झारखंड के यहाँ पर आए हुए हैं। तो विधानसभा के चारों तरफ देखिए आप किस तरीके से तमाम छात्र जो है पहुँच चुके हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, और
यहाँ पर पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है छात्र जो है यहाँ पर चारों तरफ विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और सभी की एक ही मांग है 60-40 नए चल तो उसको लेकर तमाम झारखंड के छात्र इस वक्त यहाँ पर राजधानी रांची के नए विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना है तमाम छात्र नेताओं का और छात्रों का इसको लेकर, यह कुछ देखिए। एको बहाली नहीं देगा, खाली जो है ना बता रहे हैं आज दबो काल दबो, बोल रहे हैं कि एक वही वाला कहावत जो नहीं है कि बकरा आगे जा रहा था सियार पीछे जा रहा था कि अब गिरेगा, लेकिन गिर ये नहीं रहा था। तो ये कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को, कहाँ भेजा जा रहा है आप जो झारखंड का छात्र है जो दिशा आप देखे कि सामने से विधानसभा नहीं जाने दे रहा, तो हम सोचे बैकेट रोड से चल जाते हैं। आप जीत करके नहीं जा पाए तो अब अबरी यह है एगो उपाय है कि पिछहों से दिवलवा टप के जाए आ तनी देख सेंद्रा अगर करेगा तो फिर सेंद्रा करेगा तो वो हम बाप देखिए हम लोग के पास में हम लोग हरवे हथियार के साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की कहिए तो ये गंगोत्री है, हम लोग अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। आप यहाँ नहीं सुनता है तो क्या करें, यहीं हम लोग ढुकने जा रहे हैं। लेकिन जेएमएम के नेता कहते हैं तमाम जो है युवा मोर्चा और आजसू के सब छात्र हैं करेंगे कि आजसू के छात्र जिस समय उनका वह बीजेपी सरकार थी क्या कीजिएगा आप, आँख भी फोड़ रहे हैं आप देख रहे हैं अश्रु का चला रहा है। एक तो पढ़ पढ़ के आप लड़का लोग को आंखों अंधा कर दिया जाएगा ये अश्रु गैस से ला करके ताकि न कोई पढ़ेगा न कोई नौकरी मांगेगा। कैसा लग रहा है अश्रु गैस, बहुत जल रहा है आंख, आंसू गैस छोड़ दिया है और सरकार दिखाना चाह रहा है कि लोग को रोकेंगे, लेकिन हम लोग झारखंड के निवासी हैं, झूठ झाड़ में जीवन यापन करते हैं और सरकार को इस खेत से और गोट से अपना संदेश देना चाहते हैं कि 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो मतलब नहीं चलतो, बम फेंके, लेकिन सरकार को मानना होगा 60-40 को हटा करके उसे झारखंडियों को प्राथमिकता देना है कि नेता है भाजपा का नहीं तो नेता जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिताने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर दिए थे, पांच पांच विधानसभा में उसके लिए काम किए थे, दुमका बरहेट हर जगह जिताने के लिए हम लोग ने इस सरकार को लाने में और रघुबर सरकार को जमींदोज करने में हम लोग बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट लोग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी भी याद होगा। लेकिन अभी वो जो है ना उनका आंख में पट्टी पड़ गया है, अंधा हो गए हैं, इसलिए आंसू गैस झारखंड के युवाओं में छोड़ रहे हैं। अभी हम लोग विधानसभा देखिए पहुंचने वाले हैं, तमाम तस्वीरें आप देखिए, ये विधानसभा की तस्वीर है जहां की पीछे की दरवाजे से जो है ये तमाम छात्र जो है विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यहां आंसू गैस पुलिस के द्वारा जो है छोड़ दिया गया, चारों तरफ से विधानसभा के जो है छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधानसभा जो नए वाले विधानसभा है उसके चारों तरफ जो है ये तमाम जो झारखंड के छात्र है जो 60-40 नए चलतों को विरोध कर रहे थे, ये मानव श्रृंखला के रूप में आप तस्वीर देखिए कि कितने सारे छात्र जो है आज विधानसभा घेराव करने के लिए चारों तरफ जो है छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं तस्वीरों में।